हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ हमें शुक्ला क्लासेस। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियोमीटर सब टॉपिक में आज हम तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और इस तीसरी क्लास में हम पोटेंशियोमीटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, हम किसी सेल के ईएमएफ को कैसे मेजर करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात है, हम बोलना चाह रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ अ सेल ऑन पोटेंशियोमीटर। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किसी सेल का ईएमएफ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए, ये आपको एक डायग्राम में मैंने पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाया हुआ है। अब ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। अब ए से पोटेंशियोमीटर वायर के एंड ए से पोटेंशियोमीटर वायर के एंड ए से हम क्या करते हैं, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में पोटेंशियोमीटर का तीसरा लेक्चर है, और इस तीसरे लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर की मदद से किसी भी सेल के ईएमएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ सेल ऑन पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पे हमें एक सेल को बैलेंस करना है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, पोटेंशियोमीटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी वांट टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, सर्किट को ध्यान से देखिए। पोटेंशियोमीटर वायर के एंड ए से हम एक सेल गैल्वेनोमीटर और जॉकी को कनेक्ट कर देते हैं, और इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर के वायर पे स्लाइड किया जाता है। इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर के वायर पे क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो जब जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर हम स्लाइड करते हैं, तो स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमित शुक्ला क्लासेस। फुल मार्क्स सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज पोटेंशियोमीटर की तीसरा लेक्चर है, और इस तीसरे लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से किसी सेल के ईएमएफ को कैसे निकालेंगे, ये सीखेंगे। चलिए देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैलेंसिंग ऑफ ए सेल ऑन पोटेंशियोमीटर। इसका मीनिंग क्या है? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी वांट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब आप इस पोटेंशियोमीटर के सर्किट को ध्यान से देखिए। इस पोटेंशियोमीटर के सर्किट में ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर वायर के एक एंड से हमने एक सेल गैल्वेनोमीटर और जॉकी को कनेक्ट कर दिया। तो वन एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्ट टू अ सर्किट विच इज कंसिस्ट ऑफ अ सेल गैल्वेनोमीटर एंड जॉकी। नाउ जॉकी स्लाइडेड ओवर द पोटेंशियोमीटर वायर। अब इस जॉकी को हम पोटेंशियोमीटर के वायर पर स्लाइड करते हैं। तो आप इस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हैं, लेट दिस पॉइंट इज सी, ये मत लिखिए। अब देखिए, यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, नाउ देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। हम पहली पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए जॉकी को हम पॉइंट पी पर रखते हैं। जॉकी को हम कहाँ रखते हैं, पॉइंट पी वन पे रखते हैं, और एन नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो पी वन नल डिफ्लेक्शन पॉइंट से पहले आता है। अगर अब देखिए, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी वन, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी वन इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल। ए और पी के बीच, पी वन के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल के ईएमएफ से कम है, लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल, देन करंट विल फ्लो इन गैल्वेनोमीटर इन वन डायरेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में किसी एक डायरेक्शन में करंट पास होगी। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हम जॉकी को पॉइंट पी टू पर रखते हैं, जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट से आगे बढ़ता है। तो इसका मीनिंग क्या है? अब जॉकी को हमने टच किया क्यू पर, क्यू पर नहीं टच किया हमने, इसे टच किया पी टू पर। किस पे टच किया? पी टू पे, जो नल डिफ्लेक्शन पॉइंट से आगे है। तो क्या होगा? तो ए और पी टू के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल है। इसका मतलब सेल बैलेंस नहीं हुआ।
देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ पी वन। जब हमने जॉकी को पी वन पे टच किया था तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हुई थी, पी टू पे टच करेंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो देखिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पी वन और पी टू के बीच में कहीं हमारा नल डिफ्लेक्शन पॉइंट है जिस पर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देखिए अब तीसरे केस की हम पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं। हमने जॉकी को पॉइंट एन पर टच किया, कहाँ टच किया, जॉकी को हमने पॉइंट एन पर टच किया। जैसे हम जॉकी को पॉइंट एन पर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एन क्या कहलाएगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। एन क्या कहलाएगा, नल डिफ्लेक्शन पॉइंट कहलाएगा। तो मैंने इसको लिखा है यहाँ, व्हेन गैल्वेनोमीटर इज टच्ड एट एन देन VA माइनस VN। VA माइनस VN का मतलब क्या हो गया, A और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, A और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ सेल। A और N के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास होगी। देन नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर एंड वी से दैट सेल ऑफ EMF E इज बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। तो सेल कब पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस होता है, एक सेल पोटेंशियोमीटर के वायर पे कब बैलेंस होता है, जब हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिल जाता है। नल डिफ्लेक्शन पॉइंट का मीनिंग बहुत सिंपल है, गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तब ए और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेल की EMF के इक्वल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हमें VA माइनस VN को कैलकुलेट करना है। सपोज करिए कि A और N के बीच में डिस्टेंस कितना है, L है, तो L को हम यहाँ पे कहेंगे, L को हम कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ। टर्मिनोलॉजी है, आपको इस टर्मिनोलॉजी को याद रखना चाहिए, L क्या कहलाएगी, बैलेंसिंग लेंथ। AN इक्वल टू L, बैलेंसिंग लेंथ हो गई। तो VA माइनस VN, और आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की कंसेप्ट अच्छे से जानते हैं कि यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, यूनिट लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है के। तो एल लेंथ पर अगर हमें ए और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है तो ए और एन के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, एल। तो एल डिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, के एल। इसीलिए मैंने यहां लिखा है वी ए माइनस वी एन इक्वल टू के एल, लेट दिस इक्वेशन इज वन। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, प्लस होता है और एक माइनस होता है। देखिए सेल का प्लस टर्मिनल किस पॉइंट से कनेक्टेड है, देखिए आप डायग्राम देखिए, सेल का प्लस टर्मिनल ए से कनेक्टेड है और सेल का माइनस टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, देखिए आप सेल का माइनस टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एन से। तो वी ए माइनस वी एन क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। क्यों कहलाएगा, क्योंकि सेल का एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, ध्यान से डायग्राम देखिए, और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, एन से। तो वी ए माइनस वी एन तो हम निकाल ही चुके हैं के एल, तो VA माइनस VN क्या है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए हमने सपोज कर लिया कि VA माइनस VN किसके इक्वल है, VA माइनस VN किसके इक्वल है, V के इक्वल है। अब सेल फॉर्मूला आप जानते हैं, सेल का फॉर्मूला है E इक्वल टू V प्लस IR, तो इससे आप V को क्या लिख सकते हैं, E माइनस IR। तो E माइनस IR किसके इक्वल हो गया, V के इक्वल हो गया। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, पहला इक्वेशन तो आप जानते हैं VA माइनस VN दैट इज V इक्वल टू KL, ये पहला इक्वेशन था। तो 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, E माइनस IR को, V हो गया E माइनस IR, E माइनस IR को KL के इक्वेट कर सकते हैं। पर आप जानते हैं इन द केस ऑफ नल डिफ्लेक्शन पॉइंट गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट जीरो होती है और सेल से पास होने वाली भी करंट क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए E इक्वल टू KL। अब देखिए, अब आप इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं फॉर्मूले को फिर से बताना चाहता हूं, E इक्वल टू के एल। अगर आपको सेल का EMF कैलकुलेट करना है तो आपको दो चीजें मालूम होनी चाहिए, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट और एक बैलेंसिंग लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट और बैलेंसिंग लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेल का EMF मिल जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात कर रहे हैं टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम दो सेल के EMF को कैसे कंपेयर करते हैं, तो आप पहले सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखिए। पोटेंशियोमीटर के वायर AB के एंड से हमने दोनों सेल E1 और E2 को जोड़ा है और यहां हमने कनेक्टर यूज किया है। ये जो एरो दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टर।
देखिए, नाउ की इज कनेक्टेड टू, सबसे पहले कनेक्टर को हम पॉइंट वन से कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हम कनेक्टर को, देखिए आप, जैसे ही हम कनेक्टर को पॉइंट वन से कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम सेल ईवन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो ईवन बैलेंस होगा पोटेंशियोमीटर वायर पर, ई इज बैलेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। और मान लीजिए इस केस में जब ईवन से पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस होता है, सपोज करिए कि उस समय बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, एल वन, तो हम लिख सकते हैं ई वन इक्वल टू के एल वन, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इस कनेक्टर को टू से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, जैसे ही हम कनेक्टर को टू से कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेल ई टू को हम पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस कर रहे हैं। तो कनेक्टर को आप टू से कनेक्ट करिए, उसके बाद जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करिए और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालिए, तो सेल ई जिसका ई एम एफ ई टू है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इज कनेक्टेड टू टू एंड सेल ऑफ ई एम एफ ई टू इज बैलेंस ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। अब देखिए, जब हमने सपोज किया जब सेल ई टू बैलेंस होता है उस समय बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, एल टू, तो हम लिख सकते हैं ई टू इक्वल टू के एल टू, ई टू इक्वल टू के एल टू। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, फर्स्ट इक्वेशन इज ई वन इक्वल टू के एल वन, क्लियर, और सेकेंड इक्वेशन है ई टू इक्वल टू के एल टू। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ई वन अपॉन, डिवाइड करिए ई वन अपॉन ई टू, डिवाइड करेंगे तो k कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, e1 वन अपॉन ई टू इक्वल टू एल वन बाय एल टू। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगर आप दो सेल के EMF को कंपेयर करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कंपेरिजन का मतलब बहुत सिंपल है, दोनों सेल के EMF का हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो बारी बारी से वन बाय वन हम दोनों सेल को एक ही पोटेंशियोमीटर वायर पर, सेम पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ एल वन और एल टू निकाल लेंगे, एल वन अपॉन एल टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू। तो ये आपको क्लियर हो गया, सर्किट से भी क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं, इफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स हैं जिनका ई एम एफ ई वन और ई टू है, दो सेल्स हैं जिनका ई एम एफ ई वन और ई टू है, इनके सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी के एक एंड से दोनों सेल के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर देंगे और इस कॉम्बिनेशन को हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर को हम किससे कनेक्ट करेंगे, जॉकी से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करेंगे और बैलेंसिंग पॉइंट निकालेंगे। अब देखिए, हमने यह माना है कि ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, ये आगे चल के आपको क्लियर होगा व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ई वन इज ग्रेटर देन ई टू। अगर दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देखिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले सेल के माइनस टर्मिनल से दूसरे सेल का प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है, सपोर्ट करने का मतलब ये है दे गिव द करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो बैलेंस होने वाला ई एम एफ क्या होगा, ई वन प्लस ई टू होगा। और मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ इस केस में कितनी है, एल वन है, तो हम लिख सकते हैं ई वन प्लस ई टू इक्वल टू ई वन प्लस ई टू इक्वल टू के एल वन, इसको नोट कर लीजिए। तो ये वो केस है जब सेल सीरीज में कनेक्टेड हो और एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल एक दूसरे को अपोज करें, तो सेल एक दूसरे को अपोज कब करेंगे, जब दोनों सेल के निगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड हो। तो इस केस में दोनों सेल एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो जब दोनों सेल अपोज करेंगे इसका मतलब यह है कि दोनों सेल अगर किसी सर्किट में कनेक्टेड है तो दे सेंड द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसे केसेस में नेट ईएमएफ क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ क्या होगा, ई वन प्लस ई टू तो नहीं होगा, ऐसे केसेस में इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ होगा ई वन माइनस ई टू। इसलिए हम बैलेंस किसको करने जा रहे हैं, ई वन माइनस ई टू को, और जॉकी की मदद से हम जॉकी को गैल्वेनोमीटर, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पे स्लाइड करेंगे और नल पॉइंट निकालेंगे। और सपोज करिए इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी आती है, एल टू आती है, तो हम लिख सकते हैं ई वन माइनस ई टू इक्वल टू के एल टू। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, पहला इक्वेशन क्या था, ई वन प्लस ई टू इक्वल टू के एल वन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ के एल वन, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, के को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे को मिलेगा ई वन प्लस ई टू अपॉन ई वन माइनस ई टू इक्वल टू
एल वन बाय एल टू, फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे को कंडीशन मिल जाएगी ई वन प्लस ई टू इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एल वन प्लस कंपोनेंट और डिविडेंडो से जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा था, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ई वन अपॉन ई टू इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन माइनस एल टू। एक बात का स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखे, एल वन इज ग्रेटर देन एल टू। जब सेल सपोर्ट करते हैं तब बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा आती है क्योंकि बैलेंसिंग ईएमएफ ज्यादा होता है। अब जब सेल अपोज करते हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ सपोर्ट वाली बैलेंसिंग लेंथ से क्या आएगी, कम आएगी। आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी पर। ये सारी थ्योरी हम इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वी वांट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपको सारी थ्योरी मालूम होना चाहिए। देखिए, अब व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स, दो सेल्स हैं दे आर नॉन आइडेंटिकल, इसका क्या मतलब है, दोनों की ईएमएफ डिफरेंट है और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। तो नॉन आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हमने यूज किया है, नॉन आइडेंटिकल पैरेलल सेल्स आर बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। अब इस केस में बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम होगा, इस कॉम्बिनेशन को अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस करेंगे, सपोज करिए कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है एल, तो आप बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब दो नॉन आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो नेट ईएमएफ क्या होता है। मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आप इसे याद रखिए, ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू, ठीक है, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अगर तीन सेल होंगे, तीनों नॉन आइडेंटिकल होंगे, तो उनके कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ कितना होगा, ई वन बाय आर वन प्लस ई टू बाय आर टू प्लस ई थ्री बाय आर थ्री अपॉन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बैलेंस हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर पे, सपोज करिए बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, एल है, तो ई इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, के एल। और ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला स्टूडेंट प्लीज इसे नोट कर लो, ये बहुत कम किताबों में दिया होता है और बहुत कम कोचिंग के नोट्स में भी मिलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल इज बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर, दो सेल हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, उनके कॉम्बिनेशन को हम पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस कर रहे हैं। सपोज करिए कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है एल। अब देखिए दोनों सेल आइडेंटिकल हैं, अगर दोनों सेल आइडेंटिकल हैं तो मैंने लिखा है इन दिस केस इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो मैं ये लिखना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और इसीलिए हम कह सकते हैं ई इक्वल टू के एल। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ मैंने कितने सेल्स यूज करें, दो आइडेंटिकल सेल्स का मैंने कॉम्बिनेशन यूज किया है, तीन भी हो सकते हैं, अगर तीन सेल हो तो भी नेट ईएमएफ कितना होगा, ई ही होगा। चार सेल हो तो भी नेट ईएमएफ कितना होगा, ई होगा। दस सेल हो तो भी नेट ईएमएफ ई होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये सारे पॉइंट्स नोट करिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि जेई मेंस एज वेल एज इन नीट एग्जामिनेशन थ्योरी कहाँ आती है भाई, न्यूमेरिकल्स ही तो आते हैं, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूरी है। और अगर न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब वो थ्योरी जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करे, थ्योरी का मीनिंग क्या है, वो थ्योरी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करे, हमें वो थ्योरी नहीं पढ़नी जो न्यूमेरिकल सॉल्व ना करे, हमें वो थ्योरी चाहिए जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन ए शंटेड सेल, एक लैंग्वेज आई, शंटेड सेल इज बैलेंस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। शंटेड सेल का मीनिंग क्या होता है, शंटेड सेल का मीनिंग ये होता है, देखिए ये शंटेड सेल मैंने यहाँ पे आपको शो किया है डायग्राम में, वो सेल एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। जब सेल को हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, शंटेड सेल। इस शंटेड सेल को हम पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस कर रहे हैं, वही मेथड है। इस शंटेड सेल को हम गैल्वेनोमीटर और जॉकी से कनेक्ट कर देंगे और फिर से इसको पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस करेंगे और नल डिफ्लेक्शन पॉइंट निकालेंगे। अब सपोज करिए
इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, एल है। सपोज करिए इस केस में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, एल है, तो हम कह सकते हैं वी ए माइनस वी एन इक्वल टू के एल। ये हम पहले से जानते हैं, ए और एन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, के एल। और क्योंकि सेल के दोनों टर्मिनल, एक टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, दूसरा टर्मिनल एन से कनेक्टेड है, तो हम वी ए माइनस वी एन को लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सपोज करिए यहाँ गैल्वेनोमीटर में तो करंट जीरो है, पर सेल अपने सर्किट में, देखिए ध्यान दीजिए, सेल अपने सर्किट में तो करंट देगा, सेल अपने सर्किट में करंट दे रहा है, भले ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ई माइनस आई वन आर। तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए, इसको नोट कर लीजिए आप। इस बात को मैं फिर से बताना चाहता हूं कि नल डिफ्लेक्शन में गैल्वेनोमीटर से करंट तो जीरो है, डायग्राम देखिए, पर सेल अपने सर्किट में तो करंट डेफिनेटली देगा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ई माइनस आई वन आर इक्वल टू के एल, पर आप जानते हैं कि एक सेल, मैं यहां लिख देता हूं, करंट दे रहा है, सपोज करिए वो करंट कितनी है, आई वन, तो करंट को आप क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन आर प्लस आर। तो मैंने यहां पे आई वन की वैल्यू को ई अपॉन आर प्लस आर लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन बना ई माइनस ई अपॉन आर प्लस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर इक्वल टू के एल। ये इक्वेशन बन गया। अब यहां से हमने क्या करना है, ई को कॉमन ले लेना है, ई को क्या ले लीजिए आप, कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप ई को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, वन, और यहाँ बचेगा आर अपॉन आर प्लस आर। फिर बच्चों एलसीएम लेना है, आर प्लस आर एलसीएम ले लिया, तो आर प्लस आर इस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो आर प्लस आर माइनस आर, तो स्मॉल आर से स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के एल। प्लीज इसे याद रखें, जब भी शंटेड सेल पोटेंशियोमीटर वायर पर बैलेंस होगा तो E इक्वल टू के एल नहीं होगा, E इक्वल टू के एल नहीं होगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के एल। इसको ध्यान रखें स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया, शंटेड सेल जब भी बैलेंस होगा, तब फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला E इक्वल टू के एल नहीं होगा, फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। जब मैं बोल रहा हूँ E इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर वो रेजिस्टेंस है जिसे सेल से कनेक्ट किया गया है, जिसे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो याद रहेगा ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल टू के एल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पोटेंशियोमीटर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप सर्किट देखिए, इस सर्किट में हमने एक की को यूज किया, ये ध्यान दीजिए, और ये जो सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, उसे हमने कैपिटल आर रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है। अब कंसेप्ट तो वही है बैलेंसिंग की, सबसे पहले क्या करेंगे, हम की को, इस की को ओपन करेंगे, ओपन रखेंगे। की को ओपन रखने का मतलब क्या हुआ, कि ये सेल का कॉन्टेक्ट कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सिंपली ये सेल क्या हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर वायर पे बैलेंस होगा। सपोज करिए कि बैलेंसिंग लेंथ इस केस में कितनी है, एल वन है, क्योंकि की को आपने ओपन रखा हुआ है, तो ये नॉन शंटेड सेल हो गया, और आप जानते हैं नॉन शंटेड सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू के एल। तो हमने बैलेंसिंग लेंथ को कितना सपोज किया हुआ है, एल वन, तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू के एल वन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम की को जब एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे, अब हम इस की को इस पॉइंट से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही की को हम इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तो की इज कैप क्लोज्ड, सिंपल मीनिंग है, की क्लोज हो जाएगी, और ये सेल जो नॉन शंटेड था वो किस में बदल जाएगा, शंटेड सेल में बदल जाएगा। और मान लीजिए जब की को क्लोज किया जाए, मैंने डायग्राम नहीं बनाया, समझिए जब की को क्लोज रखा जाए और बैलेंसिंग लेंथ निकाली जाए, तो मैंने सपोज किया है कि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, L2, पर ये शंटेड सेल बैलेंस हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ ER अपॉन R प्लस R इक्वल टू के एल टू, ER अपॉन R प्लस R इक्वल टू के एल टू। अभी मैंने 4-5 मिनट पहले आपको इसको समझाया। अब पर हम जानते हैं कि
कि E इक्वल टू के एल वन, तो हम क्या करेंगे यहां पर हम E इक्वल टू के एल वन को रख देंगे। E इक्वल टू के एल वन को ये देखिए, E इक्वल टू के एल वन को हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं, तो हमने रख दिया, तो ये हो गया के एल वन इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू के एल टू, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा एल वन आर, आपको बचेगा एल वन आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू एल टू। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आर इंटू एल टू आर और एल टू इंटू स्मॉल आर इक्वल टू एल वन आर अब हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो हमें मिलेगा एल टू आर इक्वल टू एल वन आर माइनस एल टू आर। सेकेंड इस टर्म को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, आर को कॉमन लेंगे, लेट्स टेक कॉमन। तो जैसे ही हम आर को कॉमन लेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी एल टू आर इक्वल टू आर इंटू एल वन माइनस एल टू। अब हम इस एल टू को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे, तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू एल वन माइनस एल टू अपॉन एल टू। तो अब डिवाइड करेंगे एल वन अपॉन एल टू, ये देखिए एल वन अपॉन एल टू, एल टू अपॉन एल टू होगा तो कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। तो ये देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू ब्रैकेट के अंदर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। ये फॉर्मूला याद रखिए, इस पर हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इंटू एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। चलिए तो ये टॉपिक खत्म हुआ, कैसा लगा आपको ये टॉपिक, इसके बारे में आप मुझे लिखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए 6260320543। लाइक करिए, अगर आपको लगता है इसे लाइक करना चाहिए, यूजफुल है तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए अगर लाइक करते हैं तो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसको पहुंचाइए, आई वॉन्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन आप दबाएंगे तब आपको फ्यूचर लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ये पोटेंशियोमीटर की थर्ड सीरीज थी, फोर्थ सीरीज में हम पोटेंशियोमीटर पे न्यूमेरिकल्स लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लेंगे और उसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर पढ़ेंगे और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर विद न्यूमेरिकल्स और फिर हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कंपटीशन में मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चंस हर साल आते हैं, आप पेपर उठा के देख लीजिए। मिलते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़िए।